नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। एक नजर डालेंगे उत्तराखंड की खास खबरों पर। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत 15 फरवरी से विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। सीएम 9 जिलों की 37 विधानसभाओं में की गई उनकी घोषणाओं के बारे में विस्तार से जानेंगे। सचिवालय से सीएम सभी जिलों के जिलाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए घोषणाओं की जानकारी लेंगे। इस दौरान विधायक भी मौजूद रहेंगे। बता दें, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कई जनपदों के भ्रमण के दौरान क्षेत्रीय विकास को लेकर कई घोषणाएं की थी, उन सभी की अब समीक्षा की जाएगी। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कई विकास कार्यों के लिए धनराशि की स्वीकृति दे दी है। सीएम ने पद सृजन, पद पुनर्गठन, विकास कार्य और सामाजिक वितरण प्रणाली से जुड़े कार्यों को भी मंजूरी दी है। नगर पालिका चंपावत की स्वच्छता के लिए सीएम ने 4 करोड़ से ज्यादा की धनराशि दी है। बता दें, सीएम ने लमगांव नगर पंचायत भवन निर्माण, नई टीरी पंपिंग पेयजल योजना के अंतर्गत पुरानी और क्षतिग्रस्त वितरण पेयजल प्रणाली को बदलने और पुराने मोटर पंप सेंटों को बदलने के लिए मंजूरी दी है। पौड़ी जिले के नवनियुक्त जिलाधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। जिलाधिकारी ने अपने कार्यभार ग्रहण करते ही पत्रकारों से वार्ता कर अपनी प्राथमिकताओं को गिनाया कि आखिर किस तरह से जिले में बदलाव किए जाएंगे। जिलाधिकारी विजय जोगदंडे ने पौड़ी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों की दशा सुधारने के लिए क्षेत्र में ज्यादा फोकस करने को अपनी प्राथमिकताओं में शुमार किया है, जिसमें कीवी और सेब की बागवानी से ग्रामीणों की आर्थिकी को मजबूत करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। विभिन्न योजनाएं प्रारंभ किया गया है, उसमें क्षेत्र में जो है हॉर्टिकल्चरल एक्टिविटीज को बढ़ावा रहेगा और करने का प्रयास रहेगा। साथ में हम ये प्रयास करेंगे कि जो भी गतिविधियां हो रही हैं, जिसमें वृक्षारोपण या आर्थिक विकास की तरफ हमारी योजनाओं का अगर वो ये रहेगा, उनका प्रयास रहेगा, उसको क्लस्टर आधारित करने का भी हमारा प्रयास रहेगा। जनपद में जो ग्रोथ सेंटर स्थापित किए गए हैं, जो प्रस्ताव भेजा गया है, उसको क्रियाशील करने का प्रयास रहेगा हमारा। साथ में हम ये भी प्रयास करेंगे कि जनपद में जो जलजीवन मिशन के कार्यक्रम चल रहे हैं, साथ में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के जो कार्यक्रम चल रहे हैं, उसमें अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ दिया जाएगा, ताकि उद्यमिता को भी बढ़ावा मिले, साथ साथ आर्थिक विकास भी हो और स्वरोजगार गतिविधि को भी बढ़ावा दिलाया जाएगा। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष यशपाल आर्य ने अपने आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें उन्होंने कहा कि जल्दी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठावले के दिशा निर्देश पर उत्तराखंड में रह रहे सभी भूमिहीन लोगों को 5 एकड़ भूमि दिए जाने की मांग को लेकर राज्य सरकार से पार्टी का एक शिष्टमंडल मिलेगा और प्रदेश सरकार से राज्य के हर भूमिहीन व्यक्ति को 5 एकड़ भूमि दिए जाने की मांग रखेगा। ऑफ इंडिया ये अठावले हमारा जो कार्यक्रम है उत्तराखंड का, जितने भी हमारे उत्तराखंड के अंदर गरीब, निर्धन, असहाय और भूमिहीन परिवार हैं, उन परिवारों के लिए सबसे पहले तो 5-5 एकड़ भूमि की मांग हम लोग करने जा रहे हैं बहुत जल्द। जो केंद्रीय नेतृत्व से हमें भागीदारी निभाने का अवसर मिल रहा है, 5-5 एकड़ ज़मीन प्रत्येक भूमिहीन को देने के लिए हम लोग सरकार से अपनी मांग उठा रहे हैं। दूसरी बात, जो राजस्व का मुद्दा है, सबसे पहले जो स्थानीय मुद्दा हमारे बागजाला का है, गोलापार क्षेत्र लालकुआ विधानसभा का है, चाहे बिंदु खत्ते का है, चाहे अन्य हमारे गांव हैं, बागजाले का तो पत्र राजस्व परिषद से आ चुका है, जिसको राजस्व ग्राम में शामिल करने के लिए राजस्व विभाग द्वारा जिलाधिकारी महोदय जिला नैनीताल को भेजा गया है। उसका पत्र हमारे पास हमारे घर पर पहुंच चुका है। दूसरा, बिंदु खत्ते का मामला आता है तो बिंदु खत्ते के मामले में पहले भी कई सारे संगठन बहुत अच्छे तरीके से काम कर चुके हैं, लेकिन पूर्ण रूप से सफलता न मिल पाई है, तो इसलिए हम लोगों ने भी कंधे से कंधा मिला करके रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ए और आदर्श जन विकास समिति भी हमारे वहाँ पर काम कर रही है, उनके साथ मिलकर के हम लोग काम कर रहे हैं और बहुत जल्द इसके बारे में भी हमें जानकारी मिल जाएगी कि हम लोग वहाँ पर किस किस तरीके से पत्र व्यवहार करके आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। लालकुआ विधानसभा क्षेत्र के चौरगलिया थाना क्षेत्र में दानिक बंगर के पास भीषण सड़क हादसे में अनियंत्रित स्कॉर्पियो पेड़ से जा टकराई, जिससे उसमें सवा 5 लोगों में से 2 की मौत हो गई जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं सभी घायलों का सुशीला तिवारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो सवार सभी लोग उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले के रहने वाले हैं, जो लखीमपुर से भीमताल जा रहे थे। वहीं लालकुआ कोतवाली क्षेत्र में लगातार
वहीं लालकुआ कोतवाली क्षेत्र में लगातार चोरों के हौसले बुलंद हैं। बीते 15 दिनों के अंदर लालकुआ कोतवाली क्षेत्र में चोरों ने फिर चोरी की दूसरी घटना को अंजाम दिया है। दरअसल बेखौफ चोरों ने लालकुआ कोतवाली क्षेत्र के गोला रोड स्थित दो दुकानों से हजारों का सामान उड़ा लिया। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस मामले की अब जांच कर रही है। बता दें कि इससे 15 दिन पहले भी चोरों ने कन्फेक्शनरी की दुकान में हजारों की नकदी और सामान पर हाथ साफ कर दिया था। पिछले साल की तरह इस साल भी पंतनगर यूनिवर्सिटी में स्वयं सुरक्षा अभियान के तत्वाधान में पुलवामा में शहीद हुए 40 वीर जवानों की याद में बलिदान दिवस मनाया जाएगा। संस्थापक रंजीश पांडे ने युवाओं से अपील करते हुए कहा है कि वो संकल्प ले कि अब से 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे नहीं बल्कि इसे बलिदान दिवस के रूप में मनाएंगे। जी, पुलवामा में जो हमारे वीर जवान शहीद हुए, असली वैलेंटाइन डे तो उन्होंने ही मनाया। वैलेंटाइन डे एक आधुनिकता की परंपरा लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। यही हम एक संदेश देना चाहते हैं कि 14 फरवरी को जो हमारे वीर जवान शहीद हुए हैं उनकी को सच्ची श्रद्धांजलि देकर हम लोग असली वैलेंटाइन डे मनाएं, उसके स्थान पर पुलवामा बलिदान दिवस मनाएं। जी बिल्कुल, जो हमारी भारतीय सेना के वीर जवान हैं, हमारे उनके परिवार और उनका त्याग किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। वो सरहद पे हमारी रक्षा के लिए दिन प्रतिदिन खड़े रहते हैं, तैनात रहते हैं, जिसकी वजह से हम अपने घरों में सुरक्षित बैठे हुए हैं। तो जब भी वो कहीं अगर शहीद हो गए, कहीं कुछ वो उनके साथ कोई घटना घटित हो गई, तो ये हमारा भी कर्तव्य बनता है। एक भारतीय होने के नाते हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम उनका सम्मान करें, राष्ट्र का सम्मान करें, शहीदों का सम्मान करें, भारतीय सेना का सम्मान करें। तो ये जो भी हमारे नई युवा है, और आज तक देश में जब भी कोई क्रांति हुई है युवाओं ने ही बदली है क्रांति, युवाओं ने ही देश को नए पथ पे अग्रसर हुए हैं, लेकर गए हैं। तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि हमारी जो नई पीढ़ी है वह वैलेंटाइन डे के स्थान पे पुलवामा बलिदान दिवस मनाए। लालकुआ के निकटवर्ती क्षेत्र बलिया कॉलोनी में जन समस्याओं को लेकर पूर्वांचल महासभा ने सैकड़ों लोगों के साथ बैठक आयोजित करते हुए विचार विमर्श किया। इसमें बलिया कॉलोनी क्षेत्र में सड़क, नालियां, बिजली के जर्जर तारों और लकड़ी के खंभों, साथ ही मूलभूत समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। पूर्वांचल महासभा के अध्यक्ष ब्रजेश यादव ने सभी की समस्याएं सुनते हुए उसके निराकरण के लिए क्षेत्रीय विधायक और अधिकारियों से मिलकर समस्याओं का निदान किए जाने का आश्वासन दिया। बता दें, अध्यक्ष ब्रजेश यादव ने पूर्वांचल महोत्सव या नगर में भव्य यात्रा निकाले जाने के लिए सभी से विचार विमर्श करते हुए रणनीति बनाई। पूर्वांचल के लोग जागरूक रहें, एक धागे में बंधे रहें, एक साथ रहें, तभी हम लोग कहीं काम करवा सकते हैं। इसी के लिए हमने ये संगठन बनाया कि किसी के दुख सुख में हमेशा खड़े रहेंगे। किसी के दुख सुख होगा तो उसमें हम जाएंगे, उनकी बात को सुनेंगे। अगर कोई वैसी आफत विपत आएगी तो उसमें सहयोग भी करेंगे। हम लोगों का ये है कि गरीब तपत के लोग हैं, गरीब तपत के लोगों को हम लोग देखने के लिए तैयार हुए हैं। पूर्वांचल महासभा का एक महोत्सव करवाने के विषय में सोच रहे हैं, और हमको पूरा तराई भंवर से और लाल कुआं के जितने प्लेन के लोग हैं, वो चाहे बंगाली हो, चाहे देसी हो, चाहे बिहार के लोग हों, चाहे यूपी के लोग हों, सारे लोगों का समर्थन मिल रहा है। वहीं महाकुंभ को लेकर तैयार किए जा रहे हाईवे पर अब एक नया संकट आ गया है। हरिद्वार देहरादून सीमा पर स्थित रायवाला में रेलवे अंडर ब्रिज पर तेजी से चल रहे काम पर अब ब्रेक लग गया है। दरअसल महाकुंभ से पहले ही इस अंडर ब्रिज को तैयार किया जाना था, मगर रेलवे ट्रैक के नीचे मिट्टी धंसने की वजह से इस काम की गति पर अब ब्रेक लग गया है। उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम के
अवर अभियंता ओपी राम के अनुसार अब रेलवे की अनुमति का इंतजार है। इस काम को लेकर रूपरेखा तैयार कर ली गई है। रेलवे की अनुमति के बाद ही 58 दिनों के अंदर इस काम को पूरा कर लिया जाएगा। वहीं 58 दिन की काम अवधि तय होने के बाद ये साफ हो गया है कि हरिद्वार देहरादून हाईवे पर फर्राटा भरने के लिए करीब 2 महीने इंतजार करना होगा। वहीं इसकी वजह से राहगीरों को रायवाला के पास जाम से भी जूझना पड़ेगा। खासकर कुंभ मेला स्नान के दिन यात्रियों को मुसीबतों का सामना भी करना पड़ सकता है। उत्तराखंड के चमोली में 7 फरवरी को आई आपदा में उत्तराखंड पुलिस के 2 हेड कांस्टेबल मनोज चौधरी और कांस्टेबल बलवीर सिंह ड्यूटी के दौरान बाढ़ में बहकर शहीद हो गए थे, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के प्रदेश प्रवक्ता संजय भट्ट ने त्रिवेंद्र सरकार से मांग की है कि उत्तराखंड में भी दिल्ली की तर्ज पर ही शहीदों के परिजनों को 1-1 करोड़ की सहयोग राशि दी जानी चाहिए। हमारी मांग है उत्तराखंड सरकार से, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से, भारतीय जनता पार्टी की जो यहाँ सरकार है उनसे, कि जिस प्रकार से आपने उत्तराखंड के चमोली में जो आपदा आई उसमें 2 पुलिस कर्मी हमारे शहीद हो गए, मनोज चौधरी जी और बलवीर सिंह गड़िया जी, उनको मात्र 4-4 लाख रुपए दिए गए। वहीं हमारे पौड़ी में 10 तारीख को 2 वन कर्मी जो आग बुझाने जंगल में गए थे वो शहीद हो गए, उनको मात्र 2.5-2.5 लाख रुपये दिए गए। तो इस प्रकार से इतने कम पैसे में उनके बच्चों का गुजर बसर कैसे होगा? अगर कोई शहीद होता है वो सेना का हो, अर्धसैनिक बल का हो, पुलिस का हो या अन्य इस प्रकार का शहीद हो जो दिल्ली का नागरिक होता है, दिल्ली की केजरीवाल सरकार 1 करोड़ रुपए उन्हें सहायता राशि देती है। हमारी मांग है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी भी 1-1 करोड़ रुपये इन 4 शहीदों को, जो 2 वन कर्मी हैं और 2 पुलिस कर्मी हैं, इनको दें। उत्तराखंड सरकार से बीजेपी विधायकों की नाराजगी समय समय पर चर्चा में रही है। इसी क्रम में काशीपुर के चर्चित बीजेपी विधायक हरभजन सिंह चीमा का भी नाम अब जुड़ गया है। विधायक चीमा ने किसानों के मामले को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ बकायदा मोर्चा खोल दिया है। विधायक ने किसानों के धान मूल्य का भुगतान न होने पर अपनी नाराजगी जताई है। विधायक ने पत्रकारों से साफ कहा है कि आज मैं सरकार के खिलाफ गुस्से में हूँ। मेरे द्वारा बार बार इस आवाज़ को उठाए जाने पर भी जल अधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री तक, फिर भी अभी तक इसका भुगतान ना होना खेद का विषय है। उठाया गया था कि काशीपुर में अतिक्रमण अति अधिक हो चुका है, इसको हटाया जाए। और डीजीपी महोदय ने यह भी कहा कि पुलिस को मैं निर्देशित करता हूँ कि अतिक्रमण को फटाफट हटाया जाए, इसके लिए मैं पुलिस को इनाम भी दूँगा। लेकिन खेद का विषय है कि अब तक काशीपुर के किसी भी स्थान से जरा सी भी अतिक्रमण की प्रक्रिया हटाए जाने की नहीं की गई है, जो अत्यंत खेद का विषय है। मसूरी में मौसम ने एक बार फिर करवट बदल दी है। मसूरी में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं, जिससे एक बार फिर तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं ठंड से लोगों को 2-4 होना पड़ रहा है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। मौसम के बदलते मिजाज के बाद मसूरी के स्थानीय लोगों को एक बार फिर मसूरी और आसपास के क्षेत्र में बर्फबारी की उम्मीद है। रुड़की के लक्सर में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत दौरे पर पहुंचे। हरीश रावत ने लक्सर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिलकर चुनावी जमीन तलाशने की कोशिश की है। बता दें, इस बार हरीश रावत लक्सर सीट से चुनाव लड़ने के मूड में हैं। यही वजह है कि हरीश रावत लक्सर में कार्यकर्ताओं से मिलकर अपनी चुनावी जमीन तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही हरीश रावत ने लक्सर रुड़की सड़क का मुआयना भी किया। लोगों ने ये जानकारी दूसरे दिन ही दे दी थी और मैंने ये जानकारी गांव वालों के द्वारा दिखाए गए फोटो के आधार पर चीफ सेक्रेटरी को बता दिया था। इसलिए ये कहना कि कोई जानकारी नहीं थी गलत है। हाँ, सरकार ने उसको एक्नॉलेज नहीं किया था, उसको स्वीकारा नहीं था और अब उन्होंने झील के अस्तित्व को स्वीकारा है। सर, किसान जो है धरने पर बराबर बने हुए, लेकिन सरकार उनकी बात नहीं मान रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भगवान से, किसान से, नौजवान से जो लड़ा है उसका घमंड चूर हुआ है और ये सरकार भी यदि सोच रही है कि ये किसान को झुकाएगी तो ये गलत फहमी में है। इनका घमंड चूर होगा। इनके लिए एक ही रास्ता है कि तीनों कानूनों जिन्हें किसान अपने हित के खिलाफ समझ रहे हैं ये उनको वापस लें।
इन तीन कानूनों के रहते उसकी खेती और उसके बच्चे का भविष्य चौपट है। हल्द्वानी में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल और काठ गोदाम पुलिस की टीम ने स्पा सेंटरों पर छापेमारी की। पुलिस ने स्पा सेंटर में कार्यरत युवतियों से गहराई से पूछताछ की, साथ ही वहां उपस्थित युवतियों में से केवल 3 युवतियों का ही सत्यापन है, जबकि वहां मौजूद 11 युवतियां बाहर से आई थी। स्पा में मौजूद एक युवती ने महिला कांस्टेबल से अभद्रता करते हुए उसकी नेम प्लेट तक तोड़ दी। स्पा की संचालिका दिल्ली निवासी बताई जा रही हैं। वहीं मौके पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ भी जुड़ गई। बता दें पुलिस को मौके से आपत्तिजनक सामान भी मिला है। दरअसल स्थानीय लोग भी लंबे समय से स्पा सेंटरों पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। आप नेता रविंद्र जुगरान ने चमोली आपदा के रेस्क्यू कार्य पर सवाल खड़े करते हुए सरकार पर आरोप लगाया है कि टनल में फंसे हुए लोगों को 6 दिन हो गए हैं और अभी तक उनको बाहर नहीं निकाला जा सका। कई जगह मशीनें भी खराब होने की सूचना है। ऐसे में जो 30 से 35 लोगों के अंदर होने की सूचना है, उनके परिवार वालों पर क्या बीत रही है? साथ ही सरकार की कई घोषणा के मुआवजे का भी शीघ्र परिवार को दें। उत्तराखंड की खास खबरों में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया के और तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।